आइए सौराष्ट्र तमिल संगमम की अभूतपूर्व सफलता के लिए तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद जिन्हें देश की एकता, अखंडता एवं विकास की असीम परवाह है, जो सभी देशवासियों को साथ लेकर नए भारत की रचना के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। वैसे हमारे अत्यंत प्रिय सम्माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को आइए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनके स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। वणक्कम सौराष्ट्र, वणक्कम तमिलनाडु। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, नागालैंड के राज्यपाल श्री एल गणेशन, झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी भाई पुरुषोत्तम रूपाला जी, एल मुरुगन जी, मीनाक्षी लेखी जी, इस कार्यक्रम से जुड़े अन्य महानुभाव देवी और सज्जनों, सौराष्ट्र तमिल संगमम निगलचीलू पंगेरुक वंदीरुक्कुम तमिलग सौंदघळ अनेवरेयुमु वरग वरग एन वरवेर किरेन उंगळु अनेवरेयुम गुजरात मणिलु इंद्र संदित्ति दिलू पेरू मगड़ी अची। साथियों, ये बात सही है कि अतिथि सत्कार का सुख बहुत अनूठा होता है, लेकिन जब कोई अपना ही वर्षों बाद लौटकर घर आता है तो उस सुख की, उस उत्साह और उल्लास की बात ही कुछ अलग होती है। आज उसी गदगद हृदय से सौराष्ट्र का हर एक जन तमिलनाडु से आए अपने भाइयों और बहनों के स्वागत में पलके बिछाए हैं। आज उसी गदगद हृदय से मैं भी तमिलनाडु से आए मेरे अपनों के बीच वर्चुअली उपस्थित हूं। मुझे याद है जब मैं मुख्यमंत्री था तब 2010 में मैंने मदुरई में ऐसे ही भव्य सौराष्ट्र संगम का आयोजन किया था। उस आयोजन में हमारे 50,000 से अधिक सौराष्ट्र के भाई बहन शामिल होने आए थे और आज सौराष्ट्र की धरती पर स्नेह और अपनेपन की वैसी ही लहरें दिख रही है। इतनी बड़ी संख्या में आप सब तमिलनाडु से अपने पूर्वजों की धरती पर आए हैं, अपने घर आए हैं। आपके चेहरों की खुशी देखकर मैं कह सकता हूं आप यहां से ढेरों यादें और भावुक अनुभव अपने साथ लेकर जाएंगे। आपने सौराष्ट्र के पर्यटन का भी भरपूर आनंद लिया है। सौराष्ट्र से तमिलनाडु तक देश को जोड़ने वाले सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की उसके भी आपने दर्शन किए हैं। यानी अतीत की अनमोल स्मृतियां, वर्तमान का अपनत्व और अनुभव, और भविष्य के लिए संकल्प और प्रेरणाएं। सौराष्ट्र तमिल संगमम, उसमें हम इन सभी का एक साथ दर्शन कर रहे हैं। मैं इस अद्भुत आयोजन के लिए सौराष्ट्र और तमिलनाडु के सभी लोगों को बधाई देता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज आजादी के अमृत काल में हम सौराष्ट्र तमिल संगमम जैसे सांस्कृतिक आयोजनों की
एक नई परंपरा के गवाह केवल गुजरात और तमिलनाडु का संगम नहीं है, ये देवी मीनाक्षी और देवी पार्वती के रूप में एक शक्ति की उपासना का उत्सव भी है। ये भगवान सोमनाथ और भगवान रामनाथ के रूप में एक शिव की भावना का उत्सव भी है। ये संगमम नागेश्वर और सुंदरेश्वर की धरती का संगम है। ये श्री कृष्ण और श्री रंगनाथ की धरती का संगम है। ये संगम है नर्मदा और वैगई का। ये संगम है डांडिया और कोलाट्टम का। ये संगम है द्वारिका और मदुरई जैसी पवित्र पुरियों की परंपराओं का। और ये सौराष्ट्र तमिल संगमम संगम है सरदार पटेल और सुब्रमण्यम भारती के राष्ट्र प्रथम से ओतप्रोत संकल्प का। हमें इन संकल्पों को लेकर आगे बढ़ना है। हमें इस सांस्कृतिक विरासत को लेकर राष्ट्र निर्माण के लिए आगे बढ़ना है। साथियों, भारत विविधता को विशेषता के रूप में जीने वाला देश है। हम विविधता को सेलिब्रेट करने वाले लोग हैं। हम अलग अलग भाषाओं और बोलियों को, अलग अलग कलाओं और विधाओं को सेलिब्रेट करते हैं। हमारी आस्था से लेकर के हमारे अध्यात्म तक हर जगह विविधता है। हम शिव की पूजा करते हैं, लेकिन द्वादश ज्योतिर्लिंगों में पूजा पद्धति की अपनी विविधताएं हैं। हम ब्रह्म का भी एको अहम बहुश्याम के तौर पर अलग अलग रूपों में अनुसंधान करते हैं, उसकी उपासना करते हैं। हम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती जैसे मंत्रों में देश की अलग अलग नदियों को नमन करते हैं। ये विविधता हमें बांटती नहीं, बल्कि हमारे बंधन को, हमारे संबंधों को मजबूत बनाती है। क्योंकि हम जानते हैं, अलग अलग धाराएं जब एक साथ आती है तो संगम का सृजन होता है। इसलिए हम नदियों के संगम से लेकर कुंभ जैसे आयोजनों में विचारों के संगम तक इन परंपराओं को सदियों से पोषित करते आए हैं। यही संगम की शक्ति है, जिसे सौराष्ट्र तमिल संगमम आज एक नए स्वरूप में आगे बढ़ा रहा है। आज जब देश की एकता ऐसे महापर्वों के रूप में आकार ले रही है, तो सरदार साहब हमें जरूर आशीर्वाद दे रहे होंगे। ये देश के उन हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों की भी पूर्ति है, जिन्होंने अपने बलिदान देकर एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना देखा था। साथियों, आज जब हमने आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं, तो देश ने अपनी विरासत पर गर्व के पंच प्राण का आह्वान किया है। अपनी विरासत पर गर्व तब और बढ़ेगा जब हम उसे जानेंगे। गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे। काशी तमिल संगम हो या सौराष्ट्र तमिल संगमम, ये आयोजन इसके लिए एक प्रभावी अभियान बन रहा है। आप देखिए, गुजरात और तमिलनाडु के बीच ऐसा कितना कुछ है
जिसे जानबूझकर हमारी जानकारी से बाहर रखा गया। विदेशी आक्रमणों के दौर में सौराष्ट्र से तमिलनाडु के पलायन की थोड़ी बहुत चर्चा इतिहास के कुछ जानकारों तक सीमित रही, लेकिन उसके भी पहले इन दोनों राज्यों के बीच पौराणिक काल से एक गहरा रिश्ता रहा है। सौराष्ट्र और तमिलनाडु का, पश्चिम और दक्षिण का ये सांस्कृतिक मेल एक ऐसा प्रवाह है जो हजारों वर्षों से गतिशील है। साथियों, आज हमारे पास 2047 के भारत का लक्ष्य है। हमारे सामने गुलामी और उसके बाद 7 दशकों के कालखंड की चुनौतियां भी है। हमें देश को आगे लेकर जाना है, लेकर रास्ते में तोड़ने वाली ताकतें भी मिलेगी, भटकाने वाले लोग भी मिलेंगे, लेकिन भारत कठिन से कठिन हालातों में भी कुछ नया करने की ताकत रखता है। सौराष्ट्र और तमिलनाडु का साझा इतिहास हमें ये भरोसा देता है। आप याद करिए, जब भारत पर विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण शुरू हुए, सोमनाथ के रूप में देश की संस्कृति और सम्मान पर पहला इतना बड़ा हमला हुआ, सदियों पहले के उस दौर में आज के जैसे संसाधन नहीं थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, आने जाने के लिए तेज ट्रेनें और प्लेन नहीं थे, लेकिन हमारे पूर्वजों को ये बात पता थी कि हिमालयात समारंभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रत्यक्षते, अर्थात हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक ये पूरी देवभूमि हमारा अपना भारत देश है। इसलिए उन्हें ये चिंता नहीं हुई कि इतनी दूर नई भाषा, नए लोग, नया वातावरण होगा तो वहां वो कैसे रहेंगे। बड़ी संख्या में लोग अपनी आस्था और पहचान की रक्षा के लिए सौराष्ट्र से तमिलनाडु चले गए। तमिलनाडु के लोगों ने उनका खुले दिल से, परिवार भाव से स्वागत किया। उन्हें नए जीवन के लिए सभी स्थायी सुविधाएं दी। एक भारत श्रेष्ठ भारत का इससे बड़ा और बुलंद उदाहरण और क्या हो सकता है। साथियों, महान संत थिरुवल्लुवर जी ने कहा था, अगन अमरंदु शेयाल उरेयुम मुनो अमरंदु नलु विरंदु ओम्बु वान इलु, यानी सुख समृद्धि और भाग्य उन लोगों के साथ रहता है जो दूसरों का अपने यहां खुशी खुशी स्वागत करते हैं। इसलिए हमें सांस्कृतिक टकराव नहीं, तालमेल पर बल देना है। हमें संघर्षों को नहीं, संगम और समागमों को आगे बढ़ाना है। हमें भेद नहीं खोजने, हमें भावात्मक संबंध बनाने हैं। तमिलनाडु में बसे सौराष्ट्र के मूल के लोगों ने और तमिलगम के लोगों ने इसे जीकर दिखाया है। आप सबने तमिल को अपनाया, लेकिन साथ ही सौराष्ट्र की भाषा को, खानपान को, रीति रिवाजों को भी याद रखा। यही भारत की वो अमर परंपरा है जो सबको साथ लेकर समावेश के साथ आगे बढ़ती है, सबको स्वीकार करके आगे बढ़ती है। मुझे खुशी है कि हम सब अपने पूर्वजों के उस योगदान को
कर्तव्य भाव से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप स्थानीय स्तर पर भी देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों को इसी तरह आमंत्रित करें, उन्हें भारत को जानने और जीने का अवसर दें। मुझे विश्वास है सौराष्ट्र तमिल संगमम इसी दिशा में एक ऐतिहासिक पहल साबित होगा। आप इसी भाव के साथ फिर एक बार तमिलनाडु से आप इतनी बड़ी तादाद में आए, मैं खुद वहां आकर के आपका स्वागत करता तो मुझे और अच्छा आनंद आता, लेकिन समय अभाव से मैं नहीं आ पाया। लेकिन आज वर्चुअली मुझे आप सबके दर्शन करने का अवसर मिला है, लेकिन जो भावना इस पूरे संगम में हमने देखी है, उस भावना को हमें आगे बढ़ाना है, उस भावना को हमें जीना है, और उस भावना के लिए हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी तैयार करना है। इसी भाव के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वणक्कम।